सबको प्रणाम। आज राजा राम जी के वचन के बाद कुछ कहने के लिए शेष नहीं रहता है, किंतु राजा राम जी कुलपति भी रहे हैं और वे कुलपति होता है सकल कला वल्लभ, इसीलिए उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो आज के विषय से पूरी तरह संबद्ध नहीं थे। तो लोगों ने चाहा कि उनसे उत्तर मिले, आगे भी आप आते रहेंगे और हम लोगों को हम लोगों का समाधान करते रहेंगे। प्रश्न उठना दर्शन में स्वाभाविक है। एक बार क्या हुआ कि सारी दुनिया के दार्शनिक जुटे और उन्होंने सोचा कि दर्शन की कोई परिभाषा बनाई जाए जो सर्वमान्य हो। बड़ा प्रयास हुआ, बहुत लोगों ने अलग अलग बातें कही, कोई समझौता नहीं हो रहा था। अंत में वहां कोने में एक लड़का बैठा था जो सुन रहा था इतने देर से, तो उसने कहा कि आप लोग के जो प्रश्न हैं वो तो शाश्वत हैं, चिरस्थाई हैं, किंतु समाधान चिरस्थाई नहीं है। लोग का बस यही तो दर्शन का की परिभाषा है, परिभाषा ही दर्शन की यही है कि हमारे प्रश्न शाश्वत हैं, उत्तर शाश्वत नहीं है। और यही हमारी अच्छाई भी है, इसी से दर्शन चल रहा है अभी तक, क्योंकि जिस जिस विषय का उत्तर मिलता गया वह दर्शन से अलग होता गया, कटता गया, बचा जो है उसका उत्तर अभी हम लोग खोज रहे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक ऋषि आए एक दिन बहुत तपस्या करने के बाद, और उन्होंने कुछ शब्द दिया और घर आए तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। तो पत्नी ने कहा, क्या बात है, क्यों आज इतने प्रसन्न है? कहा, बस मैंने अमर कर दिया दर्शन को। क्यों अमर कर दिया? तो कहा, एक ब्रह्म नाम का हमने शब्द बनाया है और जिसकी ऐसी परिभाषा दी है कि जिसको कोई सोचे ही ना सके, वाचारम्भणम विकारो नाम दे, है ना, तो जिसके बारे में वाणी उनी कहीं किसी की पहुंच ना हो, तो ऐसा बनाया है। तो इसी कारण आज भी दर्शन विभाग हमारा चल रहा है। व्यास तीर्थ और उसके पूर्व जय तीर्थ और उसके पूर्व मध्वाचार्य, हमारे धनंजय जी ने कहा कि शंकराचार्य जी का खंडन करने के लिए ही ये सब परंपरा चली, और तो भी वो जहां थे वही है। मैं थोड़ा इसमें और सुधार करूंगा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो मान लीजिए महत्व मानकर कि विभु है आत्मा और ब्रह्म से उसका तादात में मान लिया और उस तरह व्याख्या की पूरे वेदांत की, किंतु परवर्ती जो है उनको लगा कि इनका किसी तरह खंडन जरूर करना है, तो उन्होंने अनुपरिमाण माना, एकदम विरोधी माना। तो पहले तो रामानुज आए, और रामानुज ने थोड़ा सा माना और मध्व ने पूरी तरह मान लिया। मध्व वेदांत हमारे यहां पढ़ाया नहीं जाता है। आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है इन्होंने कि व्यास तीर्थ के बारे में यहां कुछ चर्चा हुई, और जिसकी चर्चा हम लोग मतलब शोध में कभी होता है, मैंने भी अपने शोध प्रबंध के समय न्यायामृत ग्रंथ पढ़ा था, किंतु न्यायामृत उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना अद्वैत सिद्धि। अद्वैत सिद्धि तो प्रायः सब जानते हैं, न्यायामृत को नहीं जानते, किंतु न्यायामृत का ही उत्तर देने के लिए, प्रत्यालोचना करने के लिए अद्वैत सिद्धि ग्रंथ की रचना हुई। किंतु हमारे मधुसूदन सरस्वती इतने विशिष्ट आदमी थे कि उन्होंने उन ग्रंथकार का नाम लिया न कहीं, केवल ननु ननु करके ही कहते गए, पूर्व पक्ष रखते गए और सारी व्याख्या हो गई। ये जो हमारे पूर्व पक्षकार हैं, जो खंडन करते हैं, वो हमारे बड़े परोपकारी हैं, बहुत ही परोपकारी हैं। उनको हमको यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा खंडन कर दिए नुकसान कर दिए। क्यों? देखिए परंपरा देखिए, जैसे विशिष्टाद्वैत में तो एक तो रामानुज ने खंडन किया, फिर वेदांत देशिक आए,
उन्होंने शतदूषणी ग्रंथ की रचना की जिसमें 66 वादों पर वेदांत दर्शन का खंडन किया। उसका जवाब देने के लिए हमारे महामहोपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री ने शतभूषणी ग्रंथ लिखा। बीच में भी बहुत से ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं, किंतु शतभूषणी में एक एक वाद का उन्होंने खंडन किया। तो दक्षिण में एक विद्वान उत्पन्न हुए, उत्तमूर वीर राघवाचार्य, उनको अभिनव वेदांत देशिक की उपाधि मिली थी। उन्होंने परमार्थ भूषण नाम का ग्रंथ लिखा और शतभूषणी का खंडन किया। एक और हुए ताताचार्य, उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धि की रचना की और फिर से अपने बातों को रखा। तो पुनः अनंत कृष्ण शास्त्री ने अद्वैत तत्व सुधा में इन सबका समाधान किया। तो होता क्या है कि जो झगड़ा होता है ना परस्पर, तो ये वास्तव में झगड़ा है ही नहीं, एक दूसरे को काटता नहीं है, वो अपनी अपनी बातों को और अच्छी प्रकार से रखते हैं। तो जो विरोध के समाधान में जो युक्तियां दी जाती हैं, तो अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं, विस्तार देते हैं, परिष्कार करते हैं, तो दर्शन का और विकास होता है, खंडन नहीं होता है और समृद्धि होती है। तो यह लाभ इन खंडनकर्ताओं की वजह से हम लोगों को मिला। न्यायामृत को ही ले लीजिए, न्यायामृत का खंडन मधुसूदन सरस्वती ने किया, प्रत्यालोचना की। उसका खंडन रामाचार्य ने अपनी तरंगनी व्याख्या में किया, उसका खंडन हमारे गौड़ ब्रह्मानंद ने अपनी लघु चंद्रिका में किया, और उसका खंडन फिर वहां वनमाली मिश्र ने न्यायामृत सौगंध में किया। तो यह परंपरा चलती रहती है। अनंत कृष्ण शास्त्री ने कुछ अंश न्यायामृत का और अद्वैत सिद्धि का छापा है, जिसमें कई टीकाओं को दिया गया, और अंत में उन्होंने सबका खंडन करके अपना मत रखा है उसमें, किंतु पूरा न्यायामृत सिद्धि उपलब्ध नहीं है वहां, ये बाद में छपी थी। तो इसलिए न्यायामृत इत्यादि जो ग्रंथ है वो हमारे बहुत उपकारी है। दूसरी बात, कुछ भी हो, ये जो मध्वाचार्य हैं, ये व्यासतीर्थ इत्यादि हैं, ये हैं तो वेदांत प्रस्थान के ही, और इन्होंने भेद के मार्ग माध्यम से संपूर्ण वेदांत प्रस्थान की व्याख्या की। अगर स्वयं अद्वैत वेदांत को देखें तो इसमें भी हमें अनेक भेद मिलते हैं, एक मत नहीं है। जैसे आप ये ले लें सिद्धांत लेश संग्रह, उसमें 44-45 मतों का उद्धरण मिलता है, एक दो मत नहीं है। कोई जीव को एक मानता है, कोई नाना मानता है, कोई जीव को बिंब मानता है, कोई प्रतिबिंब मानता है, कोई ईश्वर को प्रतिबिंब मानता है, कोई ईश्वर को बिंब मानता है। तो ये सब नाना प्रकार के मतभेद वहां मिलते हैं। तो एक प्रकार का मतभेद यह भी है, मध्व का भी है। तो वेदांत प्रस्थान भले ही अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ना आता हो, तो दिक्कत इसमें समाधान क्या होगा कि इतने मतभेद हैं तो क्या सब ठीक ही हैं? तो हमारे सुरेश्वराचार्य जी ने बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक में लिखा है कि यया भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनी सा सैव प्रक्रिया इह स्यात् साध्वी सा च अनवस्थिता। तो जिस प्रक्रिया से अभी इन्होंने बताया था रुचि नाम वैचित्र्या, तो मनुष्य की रुचियां अनेक प्रकार की हैं, तो जिस भी प्रकार से उसको उस ब्रह्म तक पहुंचाया जा सके, उसका बोध कराया जा सके, वो सभी ठीक है। तो सभी कैसे ठीक होंगे? तो कहा, अरे भैया ये तो मिथ्या है ना, माया है ना, ईश्वर है, जीव है, जगत है, ये सब तो माया ही है। तो जब माया के अंतर्गत जब मिथ्या ही है तो उसमें किसी को मान लो, अंततः तो ये रहने वाला नहीं है, किंतु किसी तरह भी आप आत्मा और ब्रह्म की तरफ, एकता की तरफ पहुंचा तो रहे हैं ना। तो इसलिए सभी मत ठीक हैं, और मध्वाचार्य ने व्यासतीर्थ ने तो अद्भुत काम किया है कि उन्होंने द्वैत के दुख को मानकर
इस बात को सिद्ध किया है, तो इसको वेदांत प्रस्थान तो मानते ही हैं। प्रयास कीजिए कि इसको अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ला सकते हैं कि नहीं, सोचिए उसका प्रस्थान माना जा सकता है कि नहीं, है ना। तो इसी के साथ, समय काफी हो गया है और इन लोगों ने जो कहा था अत्यंत ही गूढ़ विषय था, और उसके लिए पहले न्याय दर्शन का ज्ञान बहुत आवश्यक है वेदांत पढ़ने के लिए। तो ये जो बात के आचार्य आए हैं, तो न्याय दर्शन का ज्ञान अच्छी प्रकार से जिसको होगा वही उनको ठीक से समझ सकेगा। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि आप कुछ न्याय दर्शन पर ही देंगे, किंतु वह भी अत्यंत कठिन ही होता है ना। इन लोगों को जो अवच्छेदक अवच्छिन्न और ये सब है तो लगता है कि बड़ा सरल है वह भाषा, और हम लोगों को वो टेढ़ी लगती है, किंतु परिष्कार करने के लिए उन सब शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो दर्शन तो है तो एकदम एक एक परिभाषा को अत्यंत उपयुक्त बनाता है, एकदम विषय पर लागू करता है। एक व्याप्ति ही है तो कम से कम 200 परिभाषा है उसकी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको